नमस्कार। आज हम कबीर के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। कबीर की रचना प्रक्रिया में कुछ शब्दावली बार बार हमारे सामने आती है, जैसे ब्रह्म है, आत्मा है, शरीर है, जगत है। कबीर का इन सब से क्या तात्पर्य है, इन्हीं को समझने का प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कबीर बहुत कुछ को अस्वीकार करने का साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे। मस्त मौला और अक्खड़ स्वभाव से युक्त भक्त कबीर के पास कोई निश्चित और पूर्व निर्धारित दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से भिन्न भिन्न विचारों को स्वतंत्र दृष्टि से ग्रहण किया। उन पर भारतीय उपनिषद का जो चिंतन है, शंकर का अद्वैतवाद, उसके बाद नाथपंथियों की योग साधना, सूफियों का भावात्मक प्रेम और वैष्णव जीवन दृष्टि है, उस जीवन दृष्टि का गहरा प्रभाव कबीर के साहित्य पर परिलक्षित होता है। ये जो विभिन्न स्रोत मैंने बतलाए हैं, इन स्रोतों के माध्यम से जिन विचारों को ग्रहण किया या इन विचारों के कारण उनके जो दार्शनिक आधार है, यथा ब्रह्म, जीव, आत्मा, जगत, शरीर, माया, इन सब के लिए एक निश्चित विवेचित दार्शनिक सिद्धांत कबीर के साहित्य में बन गए हैं, और इन सब पर हमें अलग-अलग चर्चा करनी है, संक्षिप्त रूप में चर्चा करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म के विषय में। ब्रह्म के संदर्भ में उनकी दृष्टि मूलतः अद्वैतवादी थी, जिनके अनुसार ब्रह्म एक है, वही सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के ब्रह्म दर्शन पर इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव सिद्ध करने का प्रयास किया है, परंतु ये सही नहीं है, क्योंकि इस्लामी एकेश्वरवाद में जगत को सत्य माना गया है, जबकि कबीर का जो एकेश्वरवाद है या कबीर का जो ब्रह्म है, वो अद्वैतवाद के अधिक नज़दीक है। अद्वैतवाद की तरह ही कबीर जगत को मिथ्या मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि पानी केरा बुदबुदा असमानव की जात, पानी केरा बुदबुदा असमानव की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने के लिए सरलता की दृष्टि से उसे पारब्रह्म, राम, हरि आदि नामों से भी पुकारा है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि उनका जो राम है वो सगुण राम से कहीं अलग है। उन्होंने अपने राम को, निर्गुण निराकार ब्रह्म को, सगुण राम से अलग बताया है, और इसीलिए वे स्पष्ट करते हैं कि दशरथ सुत तिउ लोक बखाना राम नाम का मर्म है आना। जिस राम नाम का वे उल्लेख करते हैं, उसका मर्म तो कोई दूसरा है। उन्होंने ब्रह्म को सर्वव्यापी और देश काल से परे बताया है, और इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि तहां न उगे सूरज चंद, आदि निरंजन करे आनंद। उनका ब्रह्म तो इन सब से परे है। इतना ही नहीं, उनका जो ब्रह्म है वो फूलों की खुशबू से भी सूक्ष्म है, जो रूप रस गंध स्पर्श सबसे परे है, और इसीलिए वो कहते हैं कि जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप अरूप,
जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप अरूप पुह बांस से पात्रा, ऐसा तत् अनुप। उनका जो तत्व है, परम तत्व है, वो इतना अनुप है, अनुपम है कि वो फूलों की गंध से भी सूक्ष्म है, न्यारा है। ये कबीर के ब्रह्म के विषय में। उसके बाद में आत्मा। कबीर ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है, और अद्वैतवाद का सिद्धांत आप जानते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और इसे स्वीकार करते हुए उन्होंने माना है कि ब्रह्म और आत्मा एक है। जीव पर माया का आवरण होने के कारण उसे आत्मा और परमात्मा में, या यूं कहें आत्मा और ब्रह्म में अंतर दिखाई देता है, किंतु उस अंतर को, जो अंतर दोनों के बीच हमें दिखाई देता है, उस अंतर को ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान साधना के माध्यम से उस अंतर को, उस भेद को मिटाया जा सकता है। और इसीलिए वो आत्मा और ब्रह्म का जो संबंध है, उस संबंध को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतरी पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। शरीर, कबीर ने माना है कि शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसमें तीन गुणों का विस्तार है, और आत्मा शरीर का वस्त्र है, और मृत्यु अनिवार्य है। और इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि जो उग्या सो आत्वे, जो उग्या सो आत्वे, फूल्या सो को मिलाई, जो चिड़िया सो डही पड़ा, जो आया सो जाए। मृत्यु अवश्यंभावी है, जो पैदा हुआ है उसे अंततः जाना ही पड़ेगा। शरीर के बाद जगत, और जगत के संदर्भ में कबीर का जो दार्शनिक मत है, कबीर की जो अवधारणा है, वो शंकराचार्य के बहुत नज़दीक है। शंकराचार्य की तरह कबीर ने भी जगत को मिथ्या कहा है। उन्होंने जगत के संदर्भ में तीन सिद्धांतों को स्वीकार किया है। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है विवर्तवाद। विवर्तवाद में का अर्थ है कि जगत असत्य है, किंतु सत्य का ब्रह्म होता है। विवर्तवाद पहला सिद्धांत जगत के संदर्भ में, जो शंकराचार्य का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के अनुरूप उन्होंने अपना जो दार्शनिक मत है, दार्शनिक विवेचन है, वो विवेचन प्रस्तुत किया है। और इसी संदर्भ में वो सबसे पहली बात कहते हैं, विवर्तवाद, जगत असत्य है किंतु सत्य का ब्रह्म होता है। दूसरी बात परिणामवाद, जगत ब्रह्म का परिणाम है, जगत ब्रह्म का परिणाम है, अर्थात जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। पहला विवर्तवाद, दूसरा परिणामवाद, और तीसरा प्रतिबिंबवाद। जगत के सभी रूप ईश्वर के ही प्रतिबिंब है, जगत के सभी रूप ईश्वर के ही प्रतिबिंब है। और कबीर के दार्शनिक जो सिद्धांत है उनमें अंतिम हम शामिल करेंगे माया। कबीर ने दो तरह की माया का उल्लेख किया है। सबसे पहले विद्या माया, जिससे ब्रह्म खेलता है, और अविद्या माया, जो व्यक्ति को उलझाकर रखती है। कबीर ने दोनों का ही वर्णन किया है, और वे मानते हैं कि वो माया ही है जो जीव और ब्रह्म में भेद उत्पन्न करती है। तो कबीर के इन दार्शनिक सिद्धांतों में जो शब्दावली आई है, उनमें से कुछ शब्दावली का विवेचन करने का हमने यहाँ प्रयास किया है। धन्यवाद।